भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी के छोटे से करियर में टॉप टीमों के खिलाफ कई मुकाम हासिल कर लिए हैं। कोहली की कप्तानी में भारत ने 22 में 14 टेस्ट मैच जीते जबकि 6 ड्रॉ हुए। कोहली की टीम ऑस्ट्रेलिया में और फिर श्रीलंका में मेजबान टीम से डेब्यू मैच हारी। भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस रिकॉर्ड पर कोहली को गर्व नहीं होगा और वो इसे जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। गुरुवार को इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ कोहली पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट का अपना पहला मैच हारा। कोहली 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर अपना पहला टेस्ट मैच हार गए थे। फिर 2013 में कोहली पहली बार श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे हारे थे। श्रीलंका के विशाल 348 स्कोर के आगे टीम इंडिया 187 रन पर ऑल आउट हो गई थी और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 भी भारत हार गया। विराट कोहली के अलावा स्टीफन फ्लेमिंग, शॉन पोलॉक, तिलक रत्ने दिलशान, ब्रैडन मैकलम, हैमिल्टन मासाकाट्ज़ा और ग्रेम क्रेमर ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने डेब्यू मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की भारत पर 7 विकेट की जीत T20 की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने 3 मैच 6 विकेट से जीते हैं। विराट कोहली ने भारत की तरफ से 3 बार ओपनिंग की है। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन बनाए, 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रन और 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 29 रन बनाए। कोहली की 29 रन की पारी भारतीय कप्तान द्वारा पहले मैच में खेली दूसरी न्यूनतम पारी है।